सेंसिंग अनलॉकिंग विदाउट डाटा लॉस अनलॉक बताया आपको, ड्राइवर्स के एरर्स बताए आपको, टूल कैसे डाउनलोड करना है, फाइल कैसे डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ बताया कि नहीं बताया? तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया सर। किया यहाँ पे खुद से किया? हाँ। टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, पर आपने खुद किया, खुद कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, खुशी और भी होगी जब आप खुद से मेहनत करोगे। बहुत बढ़िया, और जो सबसे बढ़िया क्लास रही आज आईफोन फ्लैशिंग की, जिसे हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, आईफोन का काम कर रहा है, फ्लैश कर रहा है, वो आज हमने सीखा है, और वो भी आसान तरीके से। जो हमने बहुत ज्यादा टफ है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल, ये सर उनके लिए जो नहीं जानते, जी जो सर अभी भी ये समझते हैं कि वो सामने वाला ही कर सकता है, डेड कर देगा। मैंने हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट भी लिखवा दी है। सिर्फ अपनी जिद के मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। मैं यहाँ पे मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश, और हमारी चल रही है सॉफ्टवेयर के दूसरे दिन की क्लास। कैसी चल रही है क्लास? तो ये हमारी लाइव क्लास चल रही है सॉफ्टवेयर के दूसरे दिन की, जो कि क्वालकॉम की क्लास है। तो आप कुछ इस वीडियो लाइव के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं कि अनलॉक टूल का इंटरफेस मैं कुछ यहाँ पे डिटेल करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप भी कुछ देख करके सीख सकते हैं अगर आपको समझ में यहाँ पे आ जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? तो सबसे पहले फ्लैशिंग, सबसे पहले क्या है? फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना है? क्वालकॉम में जाने के बाद फ्लैश, क्वालकॉम में जाने के बाद कहाँ जाना है? फ्लैश में जाने के बाद सर्वर में जाना है। कहाँ पे जाना है? सर्वर में जाने के बाद अपना ब्रांड और मॉडल सेट करना है, जिससे आपका लोडर डिटेक्ट हो जाएगा। जिससे आपका क्या डिटेक्ट हो जाएगा? लोडर, मतलब आपको कहीं भी लोडर देने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट टाइप दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? XML, XML मतलब क्या हुआ? सिस्टम फाइल, मतलब रॉ पैच। XML मतलब सिस्टम का रॉ पैच, सिस्टम का यहाँ पे क्या रॉ फाइल देनी है, कौन सी फाइल देनी है? जैसे यहाँ पे फाइल दे दोगे, जैसे यहाँ पे टैब खुलेगा, फाइल आप लोड कर दोगे, तो यहाँ पे पार्टीशन बन करके आ जाएगा। क्या बन करके आ जाएगा? तो अगर आपको कस्टमर को कस्टमाइज करना है, अनटिक टिक करना है, तो आप यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हैं। सिंपल, फिर उसके बाद फोन को एडियल मोड में कनेक्ट करना है। एडियल मोड में क्या करना है? और यहाँ पे फ्लैश बटन, क्योंकि भी हाइट नहीं है, क्योंकि फाइल लोड नहीं हुई है। जैसे आप फाइल लोड करोगे तो फ्लैश का बटन आ जाएगा, तो सिंपल फ्लैश में क्लिक कर देंगे तो हमारी क्वालकॉम सीपीयू की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्वालकॉम सीपीयू फ्लैशिंग। चलिए अब आपको बता दें रीजन रिस्यू कैसे करना है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है बताइए? हमेशा सबसे पहले टूल खोलते हैं, क्या खोलते हैं? उसके बाद कहाँ जाना है? उसके बाद कहाँ जाना है? ये जो पढ़ाने का तरीका है बेस्ट है कि नहीं है? आपको यहाँ पे एक एक चीज आप भूल भी जाएंगे तो एक फोटो देख लेंगे तो आपकी पूरी क्लास रिमाइंड हो जाएगी। अब उसके बाद कहाँ जाना है? पूरा बेबी स्टेप कि 1 2 3 4 5 6 कैसे करना है आपको। उसके बाद अपना ब्रांड और अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है आपको? ब्रांड और मॉडल। आपको इसको अनटिक नहीं करना है, इसको आपको अनटिक नहीं करना है। और जब कभी फोन रीप्रोग्रामिंग वाला प्रोसेस कर रहे हो, मान लो जब मिलन सर बताएंगे, तो इसको आप टिक कर देना, फुल फ्लैश। क्या कर देना है हमें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे अगर जाओगे, फिर हमें फाइल देना है, फिर हमें क्या देना है? ये हमारा हो गया पांचवा नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? कौन सी फाइल? सिस्टम की रॉ फाइल, सिस्टम की रॉ फाइल। उसके बाद फिर हमारा कितना हो गया? 5 6 हमारा हो जाएगा फोन कनेक्ट। क्या हो जाएगा? फोन कनेक्ट। किस मोड में? एयरटेल मोड में। समझ में आ रहा है? जैसे आप फोन कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद हमारा फ्लैश का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 7 नंबर। क्या हो जाएगा? और हमारा जॉब डन हो जाएगा। ले लो फोटो। तो ये है हमारे पढ़ाने का तरीका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव, कि कैसे इनको सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है डिजिटल बोर्ड में, और सारी चीजें नोट डाउन कराते हैं। ग्रुप में डाल दो। ले लिया फोटो? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। नहीं लिया था? चलो सर। तो ये था हमारी फ्लैशिंग। तो किसी को डाउट हो तो बताइए, कर लेंगे। अब बात आती है अनलॉकिंग की। किसकी बात आती है? अनलॉकिंग। तो अनलॉक करने के लिए आपका सीधा ब्रांड वाइज जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? ओप्पो का है तो ओप्पो, वीवो का है तो वीवो। अब आपको एक और चीज खास बताता है, जो भी अनलॉक टूल का आज ही अपडेट आया है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अनलॉक टूल का जो अपडेट आया है, जो ईवीयू टूल वालों ने कल अपडेट दिया था कि आपका सैमसंग का A03 मॉडल FRP आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस टूल में एडेड हो गया है। सैमसंग में आप जाएंगे, हालांकि हमारी क्लास का सैमसंग की है तो मैं आपको कल बता दूंगा। तो सैमसंग में अपडेट आ गया है, जाकर के अपडेट कर ले आप, ठीक है?
ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग का A03 सैमसंग यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो सीपीयू है इन्होंने एडिट कर दिया है, FRP रिमूव ये करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब भी जाकर के आप अपडेट कर लो, बाकी हम इनको कल की क्लास में बताएंगे। चलिए हम यहाँ पे वीवो में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं सर? वीवो। वीवो में आने के बाद अब देखिए अब आपको पूरे मॉडल समझ में आएंगे। जहाँ पे EDL लिखा हुआ है तो कौन सा सीपीयू? कौन सा सीपीयू? और जहाँ पे हमारा ब्रॉन लिखा हुआ है, ब्रॉन लिखा हो, मेटा लिखा हो, प्रीलोडर लिखा हो, तो हमारा कौन सा सीपीयू होगा? समझ में आ रहा है? देखने का नजर चेंज हो रहा है। हमने MediaTek का बताया था कि आप बिना देखे, मतलब देख के ही बता सकते हैं किसका डाटा बचा सकते हैं किसका डाटा। सर क्वालकॉम में थोड़ा सा आपको 50-50 रहेगा। कितना रहेगा? 50-50। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मॉडल हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी मॉडल हम मान लो एक क्वालकॉम का सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कोई भी ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ लो हमने यही ले लिया, ठीक है, हमने क्वालकॉम का मॉडल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं, पर ये सेफ फॉर्मेट का हाइड हो रहा है, सेफ फॉर्मेट का हाइड हो रहा है ना। तो सर अगर यहाँ पे हाइड होता, मतलब अनहाइड होता, क्या होता? तो सर ये जो 50% है कितने परसेंट है? ये जो सेव वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है सर? ये जो सेव वाला ऑप्शन है 50% कितने परसेंट क्या करेगा? अगर आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो इसमें तो आ ही नहीं रहा है, जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया इसमें तो आ ही नहीं रहा है। और इसमें आपका फुल फॉर्मेट होगा, इसमें आपका क्या होगा? फुल फॉर्मेट होगा, मतलब इसमें कोई भी डाटा नहीं बचेगा। तो एक फोटो और ले लीजिए, ले लिया। यस सर। चलिए एक दो और मॉडल और भी सिलेक्ट करते हैं जिसमें तो सेफ फॉर्मेट ऑप्शन नहीं आया। तो एक VS देख लेते हैं, इसमें भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ और मॉडल देख लेते हैं, U20, तो देखिए सेफ फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है। तो ये 100% नहीं है सर, ये अपने रिस्क पे करना है। ये क्या करना है? इसमें आपका डाटा बच भी सकता है, उसमें डाटा आपका बच नहीं सकता। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमारी अनलॉकिंग, चाहे वो वीवो का हो, चाहे वो हमारा ओप्पो का हो, चाहे वो हमारा किसी भी अदर ब्रांड का हो। क्लियर है यहाँ पे? तो सर अब जैसे ओप्पो का हमने खोल लिया, तो बताइएगा ये भी कौन सा सीपीयू है? कौन सा सीपीयू है? और बाकी जो EDL लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो सर ये ओप्पो का A32 जो मॉडल है, A32 2020, ये हमारा क्वालकॉम सीपीयू है। कौन सा सीपीयू है? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कीप डाटा। अब ये भी 90% कीप डाटा लिखा है, तो मैं 90% बोल रहा हूँ, पर आपको ट्राई करना है। क्या करना है? सेफ फॉर्मेट तो है, पर उसके आगे कीप डाटा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 90% है कि काम करेगा, कितने परसेंट? 90%। पर फिर भी आपको ट्राई करना है। क्या करना है आपको? ट्राई करना है। डाटा बच भी सकता है, और नहीं बचा तो फिर फैक्ट्री रिसेट करना है। क्या करना है? जिससे हार्ड रिसेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जब हार्ड रिसेट हो जाएगा इरेज FRP, तो जिस किसी मॉडल में अगर FRP पे अटका हुआ है, अपना ब्रांड सेलेक्ट करेंगे और सीधा यहाँ पे कमांड को प्रेस कर देंगे। तो ये रही हमारी छोटी सी अपडेट क्लास जो कि आप यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच, ऐसे आप बने रहे। तो फाइनली अगेन फिर से मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश, और मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ जैसा कि आप हमें जानते हैं। तो आप फेसबुक पे देख रहे हैं या तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अभी रात के कितने बज रहे हैं बताइए? 11:30 बज रहे हैं, और एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं? दिल से बताइए, नहीं हो रहे हैं? आज की जो हमारी क्लास थी क्वालकॉम की और आईफोन की, तो कौन क्वालकॉम की फ्लैशिंग कर लेगा? चलो फ्लैशिंग तो नॉर्मल सभी कर लेते हैं, विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग बोल देते हैं। ये प्रैक्टिकल देखा हमने, सच बोल रहे हैं? चलिए ठीक है। तो इन्होंने मैंने आप तो फ्लैशिंग तो चलो ठीक है, पर यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट कि विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग, अगर किसी को सीखना है अपना डाटा बचा के करना है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? yes, तो सीखने को मिल जाएगा और डाटा भी बच जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखा है। तो क्वालकॉम में फ्लैशिंग अनलॉकिंग, विदाउट डाटा लॉस अनलॉक बताया आपको, ड्राइवर्स के एरर्स बताए, आपको टूल कैसे डाउनलोड करना है, फाइल कैसे डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ बताया कि नहीं बताया? तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? करते हुए आज हम जो कि जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि हम कभी भी माउस को टच नहीं करते, क्या टच करते हैं क्या? No, sir. सच बताते हैं? Yes, ऐसा तो नहीं कि वीडियो लाइव आ रहा है तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ऐसा स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना? No, आज किसने किसने लैपटॉप चलाया? 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने। क्योंकि देखिए हम सबको तो एक दिन पर्टिकुलर तो नहीं चला सकते, हम छोटे छोटे टॉपिक से ही तो कर सकते हैं ना। yes, sir. भाई कुछ टॉपिक आपने चला लिया, कुछ टॉपिक आपने चला लिया, तो हम अगर एक सेक्शन को बैठाएंगे तो एक ही स्टूडेंट कर पाएगा। yes, समझ में आ रहा है? yes, पर ये तरीका सही है कि नहीं? yes, सभी को थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट हो जाता है। yes, तो कौन कौन थे?
आप थे, आज आपने चलाया, तो बताइए कैसा लगा इससे पहले? बहुत जबरदस्त लगा सर, कि पहली बार मैंने, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है अभी तक। अच्छा। आज ही पहले आपने डाउनलोड कैसा करना है वो सब सिखाया, बहुत प्रैक्टिकली किया। हाँ सर। कैसा फील हुआ? बहुत जबरदस्त जबरदस्त हुआ यहाँ। चलिए ठीक है, आपने आज आपने भी किया? हाँ मैंने भी किया। तो मैं ये भी एकदम फ्रेशर है, आप ही बताइए फ्रेशर है कि नहीं इस फील्ड में? मैंने आज फर्स्ट टाइम चलाया लैपटॉप यहाँ पे। और गलतियां भी होती तो ऐसा तो नहीं बोल दिया आपको कि अरे यार तुम नहीं सीख पाओगे, चलो साइड बैठो दूसरे को कर दे? हमने इनको टाइम दिया कि नहीं दिया? अमूमन आपने भी देखा कि कितने, मतलब इनको लैपटॉप भी, मतलब जो भी था बेसिक रिक्वायर्ड भी था वो भी हमने बताया कि फाइलों को कैसे खोलना है। अगर हम चाहते तो साइड कर देते, कह रहे यार तुम बैठ जाओ तुम प्रैक्टिस करो, ऐसा बोला क्या इनके साथ? आपको बोला क्या एक पल भी कि आप नहीं चला पाओगे? आपको मैंने उदास किया? जो भी किया अपने हाथ से किया, यहाँ पे खुद से किया। हाँ। टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, पर आपने खुद किया। खुद कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, खुशी और भी होगी जब आप खुद से मेहनत करोगे। क्योंकि देखिए जब तक मैं लाइव बोल रहा हूँ कि मैं कितना भी अच्छा क्यों ना सिखा दूं, जब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज मानते कि नहीं मानते? मैं आपको झूठा तसल्ली दे दूं कि अरे यार तुम मेरे पास सॉफ्टवेयर सीख लो मैं सब कुछ सिखा दूंगा, तो मैं तो सिखा दूंगा पर वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, जितनी अगर हम मेहनत करते हैं उतनी आप करोगे तो जाहिर सी बात है आप मेरे से ज्यादा भी सॉफ्टवेयर सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? चलिए, जो नॉलेज जो लेना चाहता है, जो सीखना चाहता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इंटरेस्टेड है तभी तो पूछेंगे ना, इंटरेस्टेड नहीं है तो बस मूवी देख करके आ जाते हैं, हाँ पता नहीं चला कौन किसको मार। समझ में आ रहा है? तो कैसा लगा वो? बहुत बढ़िया। और जो सबसे बढ़िया क्लास रही आज आईफोन फ्लैशिंग की, जिसे हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, आईफोन का काम कर रहा है, फ्लैश कर रहा है, वो आज हमने सीखा है और वो भी आसान तरीके से। जो हमने बहुत ज्यादा टफ है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल ये सर उनके लिए जो नहीं जानते, जी जो सर अभी भी ये समझते हैं कि वो सामने वाला ही कर सकता है, डेड कर देगा। मैंने हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट भी लिखवा दी है, डेड हो जाएगा अगर एरर आ रहा है तो क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो कैसा रहा वो? सर बहुत बढ़िया क्लास दे, कह रहा हूँ कि एकदम दिल खुश हो गया है सर। दिल खुश हो गया? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये भी हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आज इन्होंने भी चलाया हुआ है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस थ्रू आउट बता दीजिए आपका? बहुत बढ़िया रहा सर, सच में दिल से बोल रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल बताइए कैसी रही क्लास? बहुत बढ़िया। मिलेंगे और एक कल से छोटा सा दो तीन लोगों से ऐसा रिव्यू भी लेंगे कि जिनको एज अ फ्रेशर और जो पहले से काम कर रहे हैं थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस आपको कल हम बताएंगे, और कल की बहुत लंबी क्लास होने वाली है वो भी हम आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।